वेलकम बैक अगेन गाइज। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं थोड़ा सा प्रोफेशनल लेवल पर। मैंने ऑलरेडी कुछ वीडियोस बना रखे हैं फ्लैश लाइटिंग के ऊपर और स्टूडियो लाइटिंग के ऊपर। आज जो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले वो ये पॉइंट है कि लाइट के साथ मॉडिफायर कौन सा यूज़ किया जाए, अम्ब्रेला यूज़ करी जाए या फिर सॉफ्ट बॉक्स यूज़ करा जाए, और सॉफ्ट बॉक्स के अंदर यूज़ करते हुए या उसमें ब्लैक कलर की जो ग्रिड आती है वो यूज़ करें, उसका कितना बेनिफिट होता है, ये सारा डिस्कशन इस वीडियो में हम करने वाले हैं। और ये कम्प्लीटली प्रोफेशनल नॉलेज का वीडियो है, तो इसको ध्यान से देखिएगा और इसको प्रैक्टिकली अप्लाई कीजिएगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि प्रोफेशनल टच कैसे दिया जाए और मॉडिफायर्स का यूज़ कैसे किया जाए। So, मैं हूं ध्रुविन जैन फ्रॉम DSLR Academy। बात करते हैं आज इस अम्ब्रेला और सॉफ्ट बॉक्स कौन सा बेस्ट है और उनका क्या आउटपुट में फर्क पड़ता है, आउटपुट कैसे क्रिएट कर सकते हैं और वेरिएशंस क्या क्या हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक बात हम समझते हैं इस वीडियो के अंदर, जब हम अम्ब्रेला यूज़ करते हैं अम्ब्रेलास के अंदर भी बहुत सारी वैरायटीज़ है। देखो मैं आपको थोड़ा सा डीपली बताता हूँ कि फोटोग्राफर एक फोटो गुड्स वाले के यहाँ जाता है परचेज करने के लिए, सबसे पहले हम अम्ब्रेला मांगते हैं, वो हमको देता है 100-150 रुपये की अम्ब्रेला, बहुत जो नॉर्मल सी एक वाइट अम्ब्रेला मिल जाती। कुछ टाइम बाद आपने देखा होगा कि यूज़ करते 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 वो खुद पीली हो जाती है, हम उसको कभी वॉश नहीं करते। ऐसे बहुत सारे ड्रॉबैक होते हैं, जब मैं वेडिंग फोटोग्राफी में जाता हूँ तो ये नोटिस करता हूँ कि वो कलर ही उसका पीला हो चुका होता है, तो वो परफेक्ट वाइट रिजल्ट कहाँ से देगा। तो सबसे पहली चीज़ कि आपको जो भी एसेसरीज परचेज करनी है, थोड़ा सा पैसा ज़्यादा लगा कर एक अच्छी एसेसरीज अगर आप परचेज करेंगे तो आपको रिजल्ट्स बेटर मिलेंगे। और अगर आप अच्छा पैसा नहीं भी लगाते हैं या 100-150 रुपये की जो नॉर्मल सी वाइट अम्ब्रेला है वो यूज़ करते हैं तो भी उसको आप टाइम टू टाइम अगर वॉश करें तो आपको रिजल्ट्स बेटर मिलेंगे। बट इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि एक लाइट वन लाइट फोटोग्राफी से आप अगर एक पोर्ट्रेट कैप्चर करते हैं तो अम्ब्रेला से क्या रिजल्ट आते हैं और सॉफ्ट बॉक्स से क्या रिजल्ट आते हैं, ये हम इस वीडियो में प्रैक्टिकली देखते हैं। इस वीडियो में जो हमको एज ए मॉडल हेल्प करने वाली है वो है कक्षा, जो ऑलरेडी हमको बहुत सारे वीडियोस में हेल्प कर चुकी हैं। आप इनको फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे कक्षा के नाम सर। तो आप मेरा एक सिंपल सा लाइट सेटअप देख रहे हो कि यहाँ पे मेरी मॉडल बैकग्राउंड से मैंने नियर अबाउट 8 से 9 फिट डिस्टेंस पे मैंने खड़ा किया है। देन आफ्टर एक लाइट सेटअप मैंने यहाँ लगाया है, सिंगल लाइट सोर्स मेरा जो एक सिंपल से एक अम्ब्रेला के साथ है। लाइट तो हम हमेशा परचेस कर लेते हैं बट उसके साथ साथ मॉडिफायर्स क्या यूज़ किया जाए वो हमेशा एक सोच में रहते हैं। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि सिंपल सा अगर आप अम्ब्रेला यूज़ करते हो और सॉफ्ट बॉक्स यूज़ करते हो कितना रिजल्ट के अंदर फ़र्क आता है वो हम देखने वाले हैं। ये सेटअप मैंने एग्जैक्टली रेम्ब्रेंड लाइट सेटअप पर लगाया हुआ है। अगर आपको रेम्ब्रेंड लाइट का नॉलेज नहीं है तो ऑलरेडी मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना चुका हूँ कि मैंने सब्जेक्ट से लेकर मॉडल से 45 डिग्री के ऊपर हाइट पे लाइट रखी है जिससे हमको परफेक्टली रेम्ब्रेंड लाइट मिलेगी और रिजल्ट्स बेटर मिलेंगे। तो क्लिक करके देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है फर्स्ट अम्ब्रेला लाइट सेटअप के साथ। अम्ब्रेला लाइटिंग पे मेरा ये फर्स्ट क्लिक, मैं 3/4 इमेजेस कैप्चर कर रहा हूं, आप इमेज देख सकते हैं ये। अब जैसे ही आप ये 1 by 1 इमेजेस देख रहे हैं, इस इमेजेस के अंदर आप देखिए कि बहुत परफेक्ट मेरा एक्सपोजर है, लाइटिंग मेरे को एकदम सॉफ्ट मिली है। अगर मैं इन फोटोज़ को जूम करता हूँ तब आप देखिए कि मेरे को बहुत अच्छा शेडो भी मिला है और इमेज एकदम सॉफ्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे ही मॉडिफायर यूज़ करते हैं, जो डिफ्यूज़र अपन ऐड करते हैं, उससे इमेजेस एकदम सॉफ्ट हो जाती हैं, रिजल्ट्स बहुत अच्छा मिलता है। तो फर्स्ट क्लिक के अंदर आपने एक नॉर्मल सा इमेज देखा कि मेरे को टॉप टू बॉटम, यानी कि आप देखें जितना मेरा इमेज है वो परफेक्ट लाइटिंग वाइज है, बैकग्राउंड के ऊपर भी लाइट गई है। तो अम्ब्रेला जब हम ऐड करते हैं तो हमको ये रिजल्ट्स मिलते हैं। अब अगेन मैं वाइट अम्ब्रेला को रिमूव करके ये ब्लैक रिवर्सेबल अम्ब्रेला, कि कई लोग ये भी प्रिफर करते हैं, इसका रिजल्ट के अंदर क्या इम्पैक्ट पड़ता है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे ही इसको ऐड किया तो यहाँ पर लाइटिंग पैटर्न क्या हो जाएगा, जस्ट मेरे को अपोजिट डायरेक्शन पर रखना है इसको घुमाकर, एंड देन इसको अपोजिट टिल्ट किया और सेम पोजिशन पर इसको सेटअप किया। अब ये मेरा एकदम डिफरेंट सेटअप है, पहले वाइट डिफ्यूज़र यूज़ किया था बट यहाँ पर मैं ब्लैक यानी कि सिल्वर, अंदर पूरा सिल्वर फॉइल है, सिल्वर का रिफ्लेक्शन मैं यूज़ कर रहा हूँ। अब मेरे को रिजल्ट्स के अंदर क्या वेरिएशंस मिलते हैं ये मैं आपको अभी दिखाता हूँ। यस
अब आप ये स्क्रीन के ऊपर फर्स्ट इमेज देख पा रहे हैं। जैसे ही मैंने फर्स्ट क्लिक किया, आप अगर मैं इसको जूम करता हूँ और आपको थोड़ा डिटेलिंग दिखाता हूँ, तो आप देखेंगे कि सिल्वर रिफ्लेक्ट हमेशा बहुत ज़्यादा करता है। आप इस इमेज को प्रॉपर देखेंगे तो फॉरहेड पे आपको थोड़ा सा लाइट ज़्यादा मिलेगा, देन शेडोज़ आपको थोड़ी सी हार्ड मिलेंगी, और अगर आप ड्रेस को देखेंगे अगर पूरे को, तो स्लाइड सा आपको बर्न मिलेगा। क्यों? क्योंकि वाइट जब अम्ब्रेला यूज़ कर रहे थे तब वो डिफ्यूज़ होकर आया था, और जैसे ही ब्लैक अम्ब्रेला यूज़ कर रहे हैं तो वो सिल्वर से बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर रहा है, इसलिए स्लाइड एक्सपोजर का फ़र्क पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं अपर्चर चेंज नहीं करके सिर्फ एक वन स्टेप आईएसओ को मैं 160 कर देता हूँ, देन इमेजेस में कैप्चर करता हूँ। अब दोनों इमेजेस के अंदर डिफरेंस आप देख पा रहे हैं। दोनों इमेजेस के अंदर क्या डिफरेंस है? सबसे पहला, जो अम्ब्रेला वाइट अम्ब्रेला के साथ यूज़ किया था वो एकदम सॉफ्ट था, रिजल्ट एकदम सॉफ्ट मिले हैं, बट जैसे ही मैंने सिल्वर अम्ब्रेला लगाया, ब्लैक अम्ब्रेला का यूज़ किया, मेरे को थोड़ा सा रिजल्ट हार्ड मिला, तो शेडोज़ मेरे को थोड़ी सी हार्ड मिलने लगी है, देन आफ्टर ब्राइटनेस थोड़ी ज़्यादा मिली है मेरे को, तो मैंने आईएसओ वाइज उसको थोड़ा सा चेंज किया, शेडोज़ थोड़ी सी ज़्यादा है। यानी कि जैसे ही आप सिल्वर अम्ब्रेला यूज़ करते हैं तो आपको थोड़ी सी हार्ड लाइट क्रिएट हो जाती है, यानी कि वाइट अम्ब्रेला दैट मीन्स सॉफ्ट लाइट, और सिल्वर अम्ब्रेला दैट मीन्स थोड़ी सी हार्ड लाइट। इमेजेस दोनों पैरेलल हैं, आपको वेरिएशंस दिखाएगी कि क्या रिजल्ट्स आपको दे रही हैं। अब ये मेरा थर्ड ऑक्टा शॉर्ट बॉक्स, जिसके आगे मैंने ग्रिड अभी लगा रखी है। फर्स्ट मैं आपको इस ग्रिड के साथ इमेजेस दिखाऊंगा, देन फिर ग्रिड रिमूव करके मैं आपको इमेजेस दिखाऊंगा कि क्या आपको आउटपुट के अंदर वेरिएशंस मिलता है। ये अगेन मैंने सेम पैरेलल लेवल पर हाइट किया, इसको टिल डाउन किया, और फुल टाइट करना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी मैंने एक शॉर्ट बॉक्स, हैवी शॉर्ट बॉक्स मैंने इसमें ऐड किया है। बट ऑब्वियस सिंपल सी बात है कि अगर मैं यहाँ पर शॉर्ट बॉक्स ऐड कर रहा हूँ, आगे डिफ्यूज़र ऐड कर रहा हूँ और ग्रिड भी ऐड कर रहा हूँ, तो एक्सपोजर में स्लाइड वेरिएशन ज़रूर होगा, नियर अबाउट वन स्टॉप वेरिएशन होगा, जो मैंने ऑलरेडी चेक किया हुआ है। मैं आपको इमेजेस क्लिक करके दिखाता हूँ। ये अपने स्टूडियो में जब भी ट्राई करें तो एक्सपोजर सेट करके ही ट्राई करें, तो आपको रिजल्ट्स इमीडिएट सिंगल क्लिक में परफेक्ट मिल जाए। सो क्लिक करके देखते हैं क्या रिजल्ट्स आते हैं। लास्ट, अभी मैंने आपके सामने कुछ ग्रिड के साथ इमेजेस रखी थी, अब मैं इस ग्रिड को कंप्लीटली रिमूव करता हूं। कि जैसे ही अगर आप ये ग्रिड को रिमूव कर देते हैं, देन क्या रिजल्ट्स के अंदर वेरिएशन आते हैं वो मैं अभी आपको क्लिक करके दिखाता हूं। तो अब मैं आपको एक स्टेप बाय स्टेप ये सारी इमेजेस दिखाता हूँ जो मैंने क्लिक करी। पहले सॉफ्ट लाइटिंग अम्ब्रेला में, फिर सिल्वर रिफ्लेक्टर यूज़ किया, फिर मैंने सॉफ्ट बॉक्स के साथ ग्रिड यूज़ किया, और ग्रिड के हटाने के बाद लास्ट मैंने नॉर्मल डिफ्यूज़र उसके साथ मैंने यूज़ किया। रिजल्ट्स के अंदर क्या वेरिएशन आपने नोटिस किया? जैसे ही मैंने वाइट अम्ब्रेला का यूज़ किया, आप देखें टॉप टू बॉटम तो मेरे को परफेक्ट इमेज मिला ही है, पर बैकग्राउंड भी मेरे को ब्राइटर मिला है। देन सिल्वर रिफ्लेक्टर, जैसे ही मैंने सिल्वर अम्ब्रेला यूज़ किया तो बैकग्राउंड भी मेरे को क्लियर मिल रहा था। क्यों? उसका सबसे मेन रीज़न ये है कि जब हम वाइट अम्ब्रेला या सिल्वर अम्ब्रेला यूज़ करते हैं तो उसके अंदर कोई भी स्पेसिफाई अपन लाइट को शेप नहीं दे पाते। वो जैसे ही लाइट फायर होती है हर जगह स्प्रेड होती है, तो मॉडल के साथ साथ वो पैरेलली बैकग्राउंड तक पहुंचती है और बैकग्राउंड भी हमको ब्राइटर मिल जाता है। बट जैसे ही हमने सॉफ्ट बॉक्स यूज़ किया और सॉफ्ट बॉक्स के साथ ग्रिड यूज़ किया, तो रिजल्ट्स के अंदर डिफरेंस देखिए कि आप कंप्लीटली बैकग्राउंड आपको डार्क मिलेगा, शेड भी बहुत सॉफ्ट मिलेगी। यानी कि स्पेसिफाई कर दिया कि जैसे ही शॉर्ट बॉक्स से इससे बाहर लाइट नहीं जाएगी, जितनी भी लाइट जाएगी वो इस सर्टन एक एरिया से ही बाहर निकलेगी, और वो भी सॉफ्ट डिफ्यूज़र के साथ। देन ग्रिड है तो उसको और शेप अपन ने स्पेसिफाई कर दिया है कि वो सिर्फ और सिर्फ मॉडल के ऊपर जाए, यहाँ से वो बैक ज़्यादा नहीं जाए, इसलिए हमको बैकग्राउंड डार्क मिला है और जो सॉफ्टनेस मिली है वो भी अपन को बहुत अच्छी मिली है। बट जैसे ही आप ये लास्ट इमेज देख पा रहे हैं, इसके अंदर मैंने जैसे
ग्रिड निकाली, ग्रिड को मैंने रिमूव किया, तो अब आप देखेंगे थोड़ी सी लाइट अगेन बैकग्राउंड तक गई है, बट फिर भी हमको रिजल्ट बहुत सॉफ्ट मिला है। ग्रिड का मेन वेरिएशन ये है कि बैकग्राउंड तक यानी कि स्पेसिफाइड जो जहां तक लाइट पहुंचानी है वहां तक वो पहुंचे। अगर नॉर्मल वाइट डिफ्यूजर यूज करेंगे तो लाइट ज़्यादा स्प्रेड होगी, ग्रिड ऐड करते ही वो स्पेसिफाइड जिस पोर्शन तक पहुंचानी है वहीं तक पहुंच पाएगी। फिर भी अगर आपको लाइटिंग इनवर्स स्क्वायर लॉ से रिलेटेड थोड़े से और चैलेंजेस हैं तो इनके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक से दो वीडियो बना रखे हैं, आप वो देख सकते हैं ताकि आपको रिजल्ट्स के अंदर बहुत ज़्यादा वेरिएशंस कैसे ला सकते हैं, बैकग्राउंड कैसे और डार्क कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपको उस वीडियो में देखने को मिल जाएंगी। बट यहाँ पर ये 1, 2, 3 और 4 इमेजेस आप बहुत अच्छे से नोटिस करें कि एक के अंदर बैकग्राउंड क्लियर है, दूसरे के अंदर बैकग्राउंड क्लियर है बट फेस के अंदर शेड मिला है, थर्ड सॉफ्टनेस मिली है, देन बैकग्राउंड भी डार्कर है जो अपन ने ग्रिड के साथ फोटोज क्लिक करी थी, और फोर्थ इमेज जो हमने नॉर्मल शॉट बॉक्स जो आप परचेज करते हैं उसके साथ हमने कैप्चर करी थी। ये चारों इमेजेस के अंदर वेरिएशंस है, आप एक बार अपने स्टूडियो में इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा क्योंकि प्रैक्टिस करे बिना सीखना पॉसिबल नहीं है। और बने रहिएगा इस चैनल के साथ जिसका नाम है DSLR Academy। और एक बात आपको मैं ज़रूर से बता दूँ कि आप एकेडमी के साथ ये जितने भी मैं वीडियोस बना रहा हूँ ये बहुत ही कम परसेंटेज है फोटोग्राफी सीखने के लिए। अगर आप सीखना चाहते हैं तो बहुत जल्दी मैं आपको इंस्टाग्राम के ऊपर लाइव आपको मिलूंगा, आपके क्वेश्चंस होंगे, मेरे आंसर्स होंगे, आप इंस्टाग्राम पर लाइव पे मेरे को ज्वाइन कर सकते हैं, देन फॉलो कर सकते हैं। सीखने के लिए हमेशा तैयार रहें, और कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चंस हो, आप किसी भी टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहें तो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर दीजिए, और बने रहिएगा इस चैनल के साथ जिसका नाम है DSLR Academy।